मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड लोकेशन यू आर लुकिंग इट राइट। आपको पता है कि हो क्या रहा है तो चैप्टर लाइट है, लाइट में से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है आपको पता है। ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको इसके बारे में भी पता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पता है। तो अपन सीधे उठाते हैं चैप्टर से क्वेश्चन, क्लियर। अब जब आप लाइट के चैप्टर की बात करते हो तो क्वेश्चंस के थ्रू कौन कौन से फॉर्मूले वगैरह हैं वो समझाने की मेरी कोशिश रहेगी, क्लियर। देखते हैं मैं कितना सफल या असफल होता हूं, भगवान जी की अनुकंपा और आपका साथ रहा तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है तो हमें पता है कि यार दो प्रकार के मिरर्स हमने पढ़े हैं, प्लेन मिरर, राइट और नॉट, और स्फेरिकल मिरर, राइट और नॉट, क्लियर। तो जो प्लेन मिरर होता है वो सीधा होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है उसे एक स्फीयर से कार्ड आउट किया जाता है। दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर पढ़े हमने, कॉनकेव, राइट और नॉट, और कॉन्वेक्स, राइट और नॉट, श्योर। इन दोनों को ही आप एक स्फीयर से कार्ड आउट करते हो, राइट, श्योर। जबकि प्लेन तो सीधा है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इंफिनिटी होगी। आंसर सी करेक्ट हो गया, बिल्कुल आराम से, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। किसी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? उसका कितना साइज है उस पर डिपेंड करता है, हाँ ना, क्लियर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मिरर। किस पे? स्फेरिकल मिरर्स पे, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अभी हमसे प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, उसकी इंफिनिटी होती है। अगर मैं पूछूं एक लाइन की रेडियस क्या होगी तो तुम क्या बोलोगे? लाइन की रेडियस नहीं होगी सर, नहीं होगी, मतलब इनफाइनाइट होगी, बहुत बड़ी रेडियस है इसलिए हमें वो सीधी दिखाई दे रही है, क्लियर, बढ़िया। पॉइंट की रेडियस क्या होगी? पॉइंट की रेडियस ऑलमोस्ट जीरो होती है। ये बातें याद रखने वाली है, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल इत्मीनान रखना दोस्त, बहुत आराम से चैप्टर समझ में आएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर, कितने प्रकार के मिरर होते हैं? दो प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में फर्दर दो प्रकार के मिरर होते हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो जब वो नॉर्मली गिर रही है सरफेस पे, मतलब इस तरीके से, तो वो सीधे चली जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन का एंगल नहीं होगा, बात समझ रहे हो। और एंगल को हम कैसे नापते हैं? क्या हम एंगल को ऐसे प्लेन से नापते हैं? ना, हम एंगल को नॉर्मल से नापते हैं। तो कोई चीज नॉर्मल के अलोंग गिर रही है तो उसका यह मतलब है कि नॉर्मल से उसका एंगल जीरो डिग्री है, तो उसका कितना रिफ्रैक्शन होगा? शून्य डिग्री, क्लियर। जल्दीबाजी में 90 नहीं लगाना, जल्दीबाजी में लोग ये वाला एंगल लगा लेते हैं, गलत बात, बहुत ज्यादा गलत बात, क्लियर। एंगल क्या है? जो नॉर्मल से मेजर होता है, यानी अगर इस ग्लास स्लैब पर यह नॉर्मल है, परपेंडिकुलर इज नॉर्मल, ऐसे रे गिरती तो इस एंगल को हम कहते हैं, और ऐसे गिरती तो ऐसे रिफ्रैक्ट होती तो इस एंगल को हम मेजर करते हैं। क्योंकि रे जैसे जैसे यहां आती जाएगी, ये थोड़ी अंदर घुसती जाएगी, तो जब ये एग्जैक्टली यहां पहुंचेगी, ये रे पूरी की पूरी यहां पहुंच जाएगी, सीधी हो जाएगी। नॉर्मल से दोनों रे कितना डिग्री एंगल बनाएंगे? शून्य डिग्री, क्लियर, श्योर। इसलिए शून्य इज द राइट आंसर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The focal length of a small, छोटू सा concave mirror, mirror, not lens, is 2.5 सेंटीमीटर। तो concave ऐसा दिखाई देता है पॉलिश करने के बाद, पॉलिश करने से पहले कुछ नहीं दिखाई देता, क्लियर, ओके। और उसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपसे बोला जा रहा है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो 2.5 है, फाइन, श्योर। इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉनकेव मिरर बाय अ डेंटिस्ट, द क्लियर डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी, राइट और नॉट। अब डेंटिस्ट को उल्टा तो नहीं देखना है, डेंटिस्ट को इरेक्ट देखना है, ओके और थोड़ा सा मैग्निफाइड भी दिख जाए तो कितनी अच्छी बात है, राइट और नॉट। तो इरेक्ट और मैग्निफाइड देखने के लिए उसे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, और फोकस और पोल के बीच का एक ही डिस्टेंस है जो 2.5 से कम है, इसलिए 1.5। अब यहां खड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं, कॉनकेव मिरर है, हाँ है ना, बिल्कुल इत्मीनान से सुनो, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, मना कर दिया रॉकेट ने कि मैं नहीं आऊंगा लाइट में, बहुत आराम से हो रही है बात, इतना सरल है टॉपिक, सरल रहने दो, क्योंकि यार न्यूटन जी महाराज नहीं है, पता है। तो देखो ध्यान से, एक मिरर के साथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम प्राइमरली तीन बड़े रीजन में बांटते हैं,
इस पॉइंट को आप पोल कहते हो, तो एक डिस्टेंस हो गया पोल से फोकस, दूसरा फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी छोटी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एट सी रखा हुआ है उसकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड, थोड़ी सी मैग्निफाइड, क्लियर शो। अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। बात समझ में आ गई, ये हमारी जरूरत थी। तो हमें ये ढूंढना था कि फोकस से कम होना चाहिए। फोकस से कम क्या है? 2.5 से कम 1.5। आंसर मिला, बहुत बधाइयां आपको और मुझे। हम आगे बढ़ रहे हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, बिल्कुल इत्मीनान सुनो। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू 6/10 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट और नॉट शो? पक्का? बिल्कुल गुड। इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, इसलिए 0.6 दिया भी हो तो आप टिक नहीं करते, वो डिवाइड करते। तो सी बाय, इसी नंबर को मैं 10/6 लिख सकता हूं। 10/6 को आप क्या कहते हो, 6 1s are 40 बचा हुआ, 6 6s are 40 एंड 1.66, सो आंसर डेल्टा। याद रखने वाली बात है, क्या रखने वाली बात है, लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सिंपल, ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा, आपके चेहरे पर बहुत बार मुस्कुराहटें आएंगी इसके चलते, क्लियर शो। आगे बढ़ते हैं और जोर से पकड़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल इत्मीनान से पकड़ के रखेंगे चीजों को, आगे बढ़ेंगे। डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी विद द कलर ऑफ लाइट? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट के साथ वेरी करता है? हाँ बिल्कुल शो। कलर ऑफ लाइट के साथ बेटा लाइट की वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा नाम से बुलाते हैं, वो चेंज करती है और उसी के चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन भी चेंज होता है, ठीक है। इसी कारण से बेटा अलग अलग लाइट्स एक मीडिया में घुसने के बाद अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है, इसलिए वो स्प्लिट हो जाती है और हमें वेबग्योर फॉर्म का कुछ देखने को मिलता है, इंद्रधनुष, राइट और नॉट। अगर स्पीड अलग नहीं होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप इत्मीनान से आपने परेड देखी है, बिल्कुल सभी ने देखी है परेड, तीनों तीन में बाएं से तेज चलेगा तेज चल, तो अगर ये लोग एक साथ चल रहे हैं एक स्पीड से तो यू सी अ कंटिंजेंट, यू डू नॉट सी ईच पार्टिसिपेंट, यू सी अ कंटिंजेंट, बहुत सुंदर, क्लियर शो। बट मान लो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, राइट और नॉट, तो क्या होता है, आप एक एक इंडिविजुअल को देख सकते हैं। वही होता है सिनारियो लाइट के साथ। लाइट जब हवा में चल रही है तो सातों के सातों जो दोस्त है ना विबग्योर वाले, राइट और नॉट शो, उन सब की स्पीड सेम होती, तो हमें वो पूरा पैकेज दिखाई देता है लाइट का। लेकिन जैसे ही वो किसी और मीडिया स्पेशली ग्लास प्रिज्म वगैरह में एंटर करते हैं, इन सब की स्पीड अलग अलग हो जाती है, और स्पीड अलग अलग हो जाती है हमें आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं। तो हमें वायलेट अलग दिखता है, इंडिगो अलग दिखता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड अलग अलग दिखाई देते हैं, ऐसे ही इंद्रधनुष बनता है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉनकेव मिरर, अभी तो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में अच्छे से बात की, इज टू बी यूज्ड इन टॉर्चेस प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना? तो ध्यान से सुनना एकदम आराम से, क्लियर शो। हमें पैरेलल बीम प्रोड्यूस करनी तो हम फोकल पॉइंट पे रखेंगे, क्लियर शो। क्यों? फोकल पॉइंट पे क्या होता है, ऐसे जाती है, इंसिडेंट होती है और उसके बाद वो लाइन पैरेलल हो जाती है, याद रखने वाली बात है शो। बिल्कुल इत्मीनान से देखो, कितने अच्छे से आपको कॉनकेव मिरर अभी समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपियर्स इरेक्ट, the mirror is likely to be, clear? It can be a plane or convex. देखो ध्यान से, plane में हमेशा ही होता है, कहीं भी खड़े हो आपको सीधी image दिखेगी, concave में ना। अगर आप focal point और pole के बीच में खड़े हो तो हाँ आपको दिखेगी, लेकिन दूर खड़े हो जाओगे तो आपको real and inverted दिखेगी, right or not? Virtual and erect
नहीं दिखेगी। कॉन्वेक्स में क्या होता है, हमेशा ही आपको इरेक्ट दिखाई देगी। क्लियर? प्लेन में भी हमेशा ही आपको इरेक्ट दिखाई देगी। तो अगर आपको सदा और सर्वदा इरेक्ट दिखाई दे रही तो वो या तो एक प्लेन हो सकता है या एक कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, यानी डेल्टा सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा गाड़ी होती है ना, ये गाड़ी है, देखो मेरे को गाड़ी बनानी आता, रियर व्यू मिरर बनाना आता है, ठीक है। शो इज, तो जो इमेजेस होती है वो छोटी दिखाई देती हैं, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, राइट और नॉट? शो सो लेस देन वन, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इत्मीनान से। नेक्स्ट, यू आर गिवन वॉटर, मुझे पानी दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। अच्छा, तेल भी दिया है, वाह वाह वाह, सब्जी बनवाओगे क्या? ग्लिसरीन नहीं, अब सब्जी नहीं बन रही, और कैरोसिन। हाँ, ग्लिसरीन की जगह कुछ और देते तो सब्जी बना सकता था, क्योंकि ये ईंधन है और ये काम होने वाली चीज है, ठीक है। बट ठीक है, वॉटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंटेड ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसमें बेंडिंग होगी? तो वो जो सबसे ज्यादा थिक है, डेंस है, उसमें सबसे ज्यादा डेंस ग्लिसरीन है, इसलिए ग्लिसरीन में बेंडिंग होगी, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में होगी। सबसे ज्यादा ग्लिसरीन, फिर मस्टर्ड ऑयल, फिर उसके बाद कैरोसिन, फिर उसके बाद पानी। चमक गया, याद रखोगे? ग्लिसरीन सबसे ज्यादा थिक है, मस्टर्ड ऑयल उससे थोड़ा सा कम थिक है, राइट और नॉट? या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं। तो जो ज्यादा थिक होगा उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी। क्लियर? बढ़िया, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर ये 35 है तो ये 90-35 हो जाएगा, राइट और नॉट? जो कि कितना होता है, 55 होता है। क्लियर? एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही होते हैं, तो यहां सेम नहीं है, यहां सेम नहीं है, यहां सेम है, यहां सेम है, लेकिन 55-55 होना चाहिए, 45-45 नहीं, तो चार्ली आंसर है। कितने सरल क्वेश्चन है बेटा, कोई डरने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। हाँ, आपको गप मारने को नहीं मिलेगा जो आप मारा करते थे पेपर में, कुछ भी अंधी मचा के लिख रहे हैं, ना ना ना, आपको डेडिकेटेड रहते हुए अच्छे से कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्स देना है। क्लियर? बात समझ में आई? सीखने की चीजें कुछ मिली? हाँ, आपको कॉनकेव के बारे में सीखने को मिला, लास्ट क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में सीखने को मिला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको डेंसिटी का बेंडिंग से रिलेशन के बारे में सीखने को मिला, आपको सीखने को मिला कि कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कोई संबंध है उसके बारे में सीखने को मिला। ऐसे ही और कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट लगभग 100 क्वेश्चन, राइट और नॉट, विच विल बी, अगर हम 10 की इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो 10 वीडियो मिलेंगे आपको, आप उनको पढ़िए, आपको बिल्कुल फायदा होगा पक्का। शो उम्मीद है मजा आया, सीखने को कुछ 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 मिला, मस्ती मजाक थोड़ा सा मैंने इसमें कम किया है इन जनरल के कंपैरिजन में, सॉरी फॉर दैट, राइट नॉट? पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देते रहिए, मजा आता रहेगा बेटा लाइफ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।